जब तक मेरे दिल को चैन नहीं आ जाता नहीं बोलना, नहीं बोलना। तुम्हारी उंगलियों से शुरू करूंगा मैं। तुम्हारी पलकें और फिर तुम्हारी आंखों में नमक डालूंगा। भरान मेरे भाई रुक जा। वो आज मुझे छोड़ो। रुक जा मेरे भाई, तू रुक जा। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे। ठीक है, मैं सब बताता हूँ। बताओ जो कुछ भी पता है। बताता हूँ तुम्हें, बस मुझे इसके हवाले मत करना। सलवर और कल सामसा के कबीले पर हमला करेगा। कल वो अपने आदमियों से कारवां सराय में मिलेगा। अब मुझे बताओ कैसे पहचानेंगे उसको। उसके सर के पीछे एक बड़ा निशान है। मेरे भाई तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं आका को इत्तला करता हूं। चलो मेरे साथ। अर्तुरुल साहब, जब तुम्हारी मरहूम मां को कबीले लाए थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। उन्होंने बहुत सी मुश्किलें देखी। तुम्हारी मरहूम माँ और तुम्हारे बाबा ने कबीले आने के बाद बहुत से मसाइल का सामना किया। अल्लाह हलीमा को जन्नत नसीब करे। उसने हर चीज को बर्दाश्त किया, मुझ जैसी को भी। तुम अपने बाबा के रास्ते पे चलोगे, मुझे यकीन था। मैं बिल्कुल ठीक थी उस्मान बेटा, यानी इस जैसे शैतान और उसके चेलों से तुम निबट लोगे अल्लाह के हुक्म से। आप भरोसा रखिए मुझ पर थाईजान, हुक्म इलाही से उस शैतान को शिकस्त देकर रहूंगा। जानती हूं मैं। बताओ मुझे, ताईजान से क्या चाहते हो? बाला खातून को बहुत चाहता हूं ताईजान। तुम्हारी नजरों से साफ साफ जाहिर हो रहा है, जब भी उसका नाम आता है तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। बोलो, बताओ मुझे, तुम्हारी क्या मुराद है? मैं चाहता हूं कि आप अदाबाली के पास जाएं। मेरे उस्मान, अल्लाह के हुक्म से बाला खातून का हाथ अब मेरे लिए मांग ले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। जब तुम्हारे बाबा हैं तो बेटा मुझे क्यों भेज रहे हो? बाबा तो मालूम नहीं कब लौटेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आ भी पाएंगे। और इससे ज्यादा सब्र नहीं हो सकता। जब बाबा आएंगे तो शादी हो जाएगी, और अदाबाली को शायद खुद से नाराज कर दिया मैंने। मैंने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगी, मुझे खबरदार किया था उन्होंने, लेकिन मुझे एहसास देर बाद हुआ। ये बताओ
तुम्हारे चचा के होते हुए क्या मुझे बाला खातून का हाथ मांगना चाहिए? मेरे चचा मेरे बाबा की जगह ही है, लेकिन आप मेरी माँ हैं। कुर्बान जाओ मैं तुम पे। किसी और की जरूरत क्या जब मेरी माँ हयात है? तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही उस अल्लाह की वली आदम वाली की तरफ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक मसला और है वैसे। क्या मसला है? आइगुल, आपके बाबा ने उनसे मिलने आने वाले पर दरवाजा बंद कर दिया वाला खातू। मोहब्बत और रहम इंसान के अंदर मौजूद होता है, और अगर ये दोनों हो तो कोई बुराई अंदर नहीं रह सकती। उस्मान की मोहब्बत एक ताकतवर समंदर की तरह है। उनकी मोहब्बत और रहम बहुत ताकतवर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उतने ही बेरहम भी है। जल्दबाज, गुस्से के तेज। वादा किया है उन्होंने आखिरी सांस तक आपके सफर के साथी बनेंगे। एतमाद नहीं है उन पर? एतमाद है मुझे। तो फिर बाबा ने उस्मान को कुएं के किनारे पर छोड़ दिया है। मुझे डर है कि उनकी नजरें रास्ता देखने के बजाय कुएं पर ही ना रह जाएं। उस्मान साहब थोड़ा सब्र करें, सब्र तमाम मुश्किलात का हल है। उस्मान जो फौरन गुस्से में आ जाता है और फिर फौरन ही पुरसुकून हो जाता है, उस्मान बेटा आप चलेंगे तो इंसाफ चलेगा, ये कहा था आपने। जब आप मुस्कुराएंगे तो रहम मुस्कुराएगा, जुल्म के खिलाफ खड़े होगे तो सब्र खड़ा हो जाएगा, और फिर तुम्हारे अंदर लोग रियासत तलाश करेंगे। लेकिन देखें क्या किया मेरे भोले उस्मान, नादान उस्मान, जो जल्दबाजी करते हैं कम ही होता है काम पूरा कर पाए वो। याद रखना होगा ये। मैं आ सकता हूं आका? आ जाओ। बोरान क्या कर रहे हो यहां? कांतुराली कहाँ है? मैं उसे वहां बांध कर आया हूं आका। क्यों, तो खुद कैसे आ गए? उसने बताया है कि सामसा साहब के कबीले पर वो साल्वाडोर काफिर हमला करने वाला है, अकेला नहीं छोड़ सकते आपको। अब इनका शिकार सामसा चाबुश है हाँ? हम उन काफिरों का दिल निकाल कर कुत्तों के आगे डाल देंगे। अब तो ठीक है,
सामसा चाउश के कबीले चलेंगे, उन्हें हिसाब चुकाना होगा। जो आपका हुक्म आका। इतने साल गुजरने के बाद काई कबीला बहुत बदल गया है आयबोके। ये बूढ़ा भी हो गया है और काफी बड़ा भी, और साथ ही मसाइल भी बड़े हो गए हैं। और हम सब इन तमाम मसाइल के दरमियान घिर गए हैं। एक पेचीदा जमाने में आ गए हैं हम। तुम्हें क्या मसला लग रहा है? जहरा खातून, वो हमारे यहाँ आने पे खुश नहीं है। वो क्यों खुश होगी? उसने चचा को भतीजे का, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। उन्होंने मेरे उस्मान को तन्हा कर दिया है। वो जानती है वो मेरे बेटे की तरह है। अब वो मेरे यहाँ आने पे परेशान है। जहरा खातून ने आपके साथ दुश्मनी पाल रखी है, कहीं वो आपके साथ कुछ कर ना दें। जहरा खातून की पहुंच सिर्फ दुंदार साहब तक ही है। मुझे 3 दौर, 3 हुकूमतें और 3 बड़ी हिजरतों का तजुर्बा हासिल है। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। उसके अहकामात सिर्फ कमज़ोरों पर ही चल सकते हैं। वो मुझ जैसी का क्या बिगाड़ेगी? तीर अंदाजो, मुझ पे निशाना लगाओ। शहादत का मकाम किसी वक्त भी मिल सकता है, याद रखो। गलती करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये अच्छी तरह जान लो। हमने जंग के लिए काफरों के शहरों पर हमला किया है। जाब्ता हयात बदल चुका है। आज के बाद हम अपनी सरजमीन, अपने कबीले और नामूस की हिफाजत करेंगे। तुर्क कबाइल के तमाम सरदार लापरवाह और गाफिल हैं। हम लड़ेंगे और काफिरों को मारेंगे। शहादत के मुकाम पर फाइज होने से पहले जो 10 काफिरों को नहीं मारेगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। कयामत तक तुम्हारा पीछा करूंगा मैं, समझ गए तुम लोग? तुम सब जानते हो कि क्या करना है। कमान से निकला तीर, मुंह से निकली हुई बात,
और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आते। हम आज इसको मिलकर खत्म करेंगे। समझो हमारे पास सिर्फ एक ही तीर है। तीर लग गया तो लग गया, वरना हमारे सामने एक ताकतवर दुश्मन है और वो हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तुम समझ गए मेरी बात? क्या बात है सुलझान खातून, कोई जरूरी बात करनी है? मैं आयगुल के बारे में बात करने आई हूँ। बात मुख्तसर है, जरा गौर से सुनना। मगर आप मुख्तसर बात नहीं करती। सोच है तुम्हारी। क्या हुआ है उसे? मैं जानती हूँ कि आयगुल उस्मान से प्यार करती है। आपको कैसे पता चला? मैं ये तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ, तो ये दुरुस्त है। मेरी आंखों में ऐसा क्या देख लिया? ये बताएं कहना क्या चाहती हैं? उस्मान किसी और खातून से प्यार करता है जहरा। उस्मान अदाबाली की बेटी से प्यार करता है। मैं और मेरी बेटी जानते हैं, मुझे और मेरी बेटी को इस बात की कोई परवाह नहीं। अगर ये बात है तो फिर आयगुल ने बाला खातून को क्यों धमकाया? उसने उसे कहा तुम्हारी वजह से हमारा कबीला मुसीबत से दो चार हो गया है। मेरी बेटी ने ठीक कहा, लेकिन उस्मान को पसंद करने की वजह से नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उसके बाबा और वो खातून दोनों कबीले के लिए मसाइल पैदा करेंगे। इसके अलावा आयगुल आलीशार साहब को पसंद करती है। अल्लाह के फजल से आलीशार साहब ने दुंदार साहब से मेरी बेटी का हाथ मांगा है, और अब ये बात यहीं खत्म हुई। सुन के खुशी हुई। अल्लाह उन्हें खुशियाँ अता करे इंशाल्लाह। आमीन। इस कबीले में मुझे बहुत से काम करने हैं जहरा, अपने काम में खुद करने की आदी हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो उस्मान साहब? क्या तुम अपने भाई के कातिल की तलाश में हो जिसे मैंने कत्ल किया? लो फिर, सामने हूं मैं, सल्वाडोर। चलो तो फिर इसे हम मर्दों की तरह ही हल करते हैं। मेरे सामने तुम आए ही कब हो मर्दों की तरह सल्वाडोर? क्या सिर्फ तुम मुंह के वार करते हो या तलवार के भी? एक सिपाही के लिए तुमने मेरे बहुत से आदमियों को मारा है। तुम्हारा क्या ख्याल था मैं इसे भूल जाऊंगा? अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो। जब तक यह सरजमीन खून से तर ना हो जाए, इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। वक्त आ गया है कि तुम एक एक करके खत्म हो जाओगे। याद रखो, हक है अल्लाह, हक साथ अल्लाह के। सुनना नहीं।
हट जाओ। अपने साथियों को मरवाना नहीं चाहते तो फेंक दो तलवार उस्मान, मैं तुमसे दोबारा ये नहीं कहूंगा। ऐसा हरगिज नहीं करिएगा। आपने मुझे बुलाया अम्मी जान? हाँ बेटी, बैठो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आलीशान साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ तुमसे। तुम्हारे बाबा तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें उसे हरगिज नहीं देंगे, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन तुम्हें आलीशान साहब से ही शादी करनी होगी आयकुल। तुम्हारे बाबा, हमारा और इस कबीले का, यहां तक कि तुम्हारा भाई बतूर, उसका मुस्तकबिल भी इस पर मुनसर है। आप ये क्या कह रही हैं? कैसा मुस्तकबिल? तुम्हारे बाबा के सरदार बनने का मुस्तकबिल। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं अम्मी? देखो बेटी, मैं एक मुआलिज हूं। अतुल साहब कई दिनों से बीमार हैं, वो इस बीमारी को छुपा रहे हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन खामोश रही। जब वक्त आएगा तुम्हारे बाबा की सरदारी की राह हमवार हो जाएगी। ताल्लुक क्या है इस बात का मेरे साथ अम्मी? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उस्मान कितना जनूनी है। ये सब होने के बाद उस्मान ना तो तुम्हारे बाबा को माफ करेगा और ना तुम्हारे भाई को। अगर तुम्हारे बाबा सरदार नहीं बनते तो फिर उस्मान बनेगा सरदार, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय आलीशान साहब के। समझी मेरी बात? तुम्हारे लिए खून की दावत तैयार कर रखी है उस्मान। कोई चीज तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। हुँ, 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 हुँ,
बताइएगा इस काफिर को। दमिर नहीं, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। दमिर बकान। बहुत जज्बाती मंजर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बार तो मुझे नहीं बताओगे कि अदब अली कहां है, मैं तुम्हारे एक एक सिपाही का गला काटता चला जाऊंगा। ले आओ इन्हें। दमिर मेरे भाई, दमिर मेरे भाई। बारकोट बंद करो। तुम जो चाहते थे मैंने सब बताया, थोड़ा पानी दे दो। अगर सामसा साहब को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उतर दूंगा काफिर। पानी।
मुझे ये देख के लग रहा है काई कबीले की खवातीन कालीन बनाने का फन बिल्कुल भूल चुकी हैं। ऐसा कब से हो गया? हाइमा खातून और हलीमा खातून की बेटियां कब से उम्दा कालीन बनाना छोड़ के मामूली कपड़े बनाना शुरू हो गईं? हमें सूरज तुलू होते ही तख्त पर बैठ जाना चाहिए, गुरूब होने के बाद उठना चाहिए, और रात को हमें अपनी उंगलियों पर दर्द को दूर करने के लिए मरहम लगाना चाहिए। जाओ, काम जारी रखो। मुझे बताएं जहरा खातून, क्या मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है कि कालीन का एक कबीले के काबिल हैं? आप दुरुस्त हैं, मगर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं सिलजान खातून। हम सुगोत से पौधे इकट्ठे करते हैं और उन्हें कई दिनों तक भी उबाल लें, लेकिन वो रंग नहीं देते। बस यही वजह है। मौत घर पे आती है, सर दर्द तो बस एक बहाना है। मैं जानती हूँ तुम उससे मुनाफा कमाने में लगी हो। खवातीन, मेरी बहनों, क्या नायाब पौधों को ढूंढ कर लाना बहुत मुश्किल है? क्या आप लोगों के लिए बेहतरीन कालीन बनाना बहुत मुश्किल है? अब इस काम को हम जहां अम्मा हाइमा ने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ाएंगे। मैं जानती हूं कि हमारी काई कबीले की लड़कियों की उंगलियों में जादू है, और अब सब लोग काई कबीले की खवातीन की सलाहियतों के करामात अपनी आंखों से देखेंगे। और मैं ये भी जानती हूं कि यहां ऐसे कालीन बनाए जाएंगे कि जिनकी खूबसूरती की नजीर कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। हम दोनों दोबारा मिल रहे हैं सेलजान खातून। खुश आमदीद, आइए। दुंदार साहब अपने खेमे में हैं। जहरा खातून, हमारा यहाँ आना अमन की निशानी है, दोस्त बनकर आए हैं। आप कालीन देखना चाहती थी मलिका सूफिया, आइए। जिनके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं वो उस्मान साहब कितने मजबूत हैं। हाथ खोलो मेरे, फिर देखना तुम। इस कुत्ते के सीने में दिल नहीं है। बेहिस हैं ये, सोने की खातिर खवातीन को अगवा करने वाले। खुद को बहादुर और जंगजू कहते हैं। बंद करो अपनी ये फजूल सी बकवास। बताओ कीमत क्या है, हम तुम्हें खरीदेंगे। कुत्ता बराए फरोख्त। उस्मान साहब, नहीं मारो। बिकने वाला कुत्ता, तुम्हारी बारी है इसके बाद। जल्दी किस बात की है?
अदाबाली कहाँ है? अदाबाली कहाँ है? तुम्हारी मौत है जहाँ। ये मुझे दो। उस्मान साहब, उस्मान साहब, अदाबाली कहाँ है? बताओ मुझे, मैं जान से जाओगे। अदाबाली कहाँ है? कहाँ है अदाबाली? आराम फरमा रहे हैं बाबा? बाबा, खैर होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, क्या हुआ उस्मान को बाबा जान? दरवेशों को इत्तला दो मेरी बेटी, कहो कि जंगल में जाएं और अच्छी तरह देखें।
ये तो कांतूरा का घोड़ा है। अब तुम क्या कर रहे हो उस्मान? कौन हो तुम बताओ? मेरे पास आपके लिए एक अहम पेशकश है। बताइए मुझे। आलीशार साहब बाहिम्मत हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर बहुत सी चीजें कर सकते हैं। तुम तूफान में सफर कर रहे हो कालानूस। क्या जानते नहीं कि आलीशार साहब की मर्जी के बगैर इन सरजमीनों पर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता? आलीशार साहब के बारे में सही कह रहे हैं आप, और ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। काम की बात करो कालानूस। बाजार सिर्फ सोगोत और इसके सार में नहीं, इस सरजमीन पर और भी बाजार हैं जो दोबारा बहाल होने के मुंतजर हैं। वो बाजार कमजोर हैं और गरीब हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर इन सारे बाजारों को बहाल करके अपनी आमदनी और ताकत और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यहां के बने कालीन और आपके बुने कपड़े कुस्तुनतुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली चीज है। लगता है कुस्तुनतुनिया के लोग अच्छी कालीनों की खूब पहचान रखते हैं। आप क्या चाहती हैं मलिका सोफिया? हम आपके इन कालीनों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा बनाइए और इसे कुस्तुनतुनिया में फरोख्त कीजिए। ज्यादा कालीनों के लिए हमें मजीद ख्वातीन और मजीद कारखाने चाहिए होंगे। जो भी मदद चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं। हम सैलजान खातून के साथ मिलकर इसको पूरा कर लेंगे, है ना खातून? अगर आप यहाँ आबाद होने वाले हैं तो सोना अहम है। हाँ, बात अगर सिर्फ सोने और खेमों की होती तो ये अपने पत्थर के कलों में बंद ना होते। सोचूंगी इस बारे में। रुक जाओ। या अल्लाह, मेरे भाई जिंदा है? ये जिंदा है मेरे भाई? आंखें खोलो। उस्मान साहब को अगवा कर लिया है, कबीले में इतला दीजिए। फौरी जाओ और हजरत को इतला करो, मैं इन्हें कबीले लेकर जाता हूं, सब ठीक होगा। हिम्मत करो। या अल्लाह, मैंने देखा
तुम्हारे सिपाही तुम्हारी बहुत कदर करते हैं। अब देखते हैं तुम इनमें से सबसे ज्यादा कदर किसकी करते हो उस्मान साहब। क्या यही है वो बेचैन जो प्लीज, तुम मरोगे या फिर ये है वो सिपाही। तुम दिखने में खतरनाक जंगजू लगते हो, मुझे अफसोस है तुम बहुत बुरे तरीके से मरोगे। हाँ लेकिन इसका फैसला उस्मान करेगा कि तुम कब मरोगे, है ना उस्मान? बोलो कौन सा? मैं जो कह रहा हूं कि हजरत यूसुफ का जिंदान एक अंधेरा था, उस अंधेरे जिंदान को नूर से मुनव्वर किसने किया? यूसुफ के ईमान ने। यूसुफ को मुकद्दस बनाने वाला ना तो कुआं था, ना मिस्र और ना ही जिंदान था। कुएं से निकलने के लिए रोशनी, जिंदान से निकलने के लिए फरमान या मिस्र का सुल्तान बनने के लिए हिकमत की जरूरत थी। लेकिन यूसुफ बनने के लिए यूसुफ जैसे ईमान की भी जरूरत है। आमीन। ईमान गायब को आश्कार, दूर को करीब और मगलूब को गालिब बनाता है। अल्लाह हमें जाहिर और बातिन से आजाद करे। आमीन। आमीन। नए बाजार पर हमला इलाके की साख के लिए अच्छा नहीं था, काफी नुकसान हुआ। लेकिन इसके दोबारा कायम होने के बाद कोई और नहीं होगा, वहां सिर्फ हम होंगे, लिहाजा एहतियात करना होगी। शेख अदाबाली, अदाबाली वहां होंगे दुंदार साहब। बातचीत जब तिजारत की होती है तो आही का नाम जहन में आता है। आही का मतलब है मुसीबत बामसी साहब, हर एक के लिए एक बड़ी मुसीबत। ना तो मैं और ना ही आलीशार साहब उनको वहां जगह देंगे। हमें आही और बाकी ताजिरों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना होगा। भतीजे ने इस पर बहुत मेहनत की है। लोग अब तक वो हादसा भूले नहीं हैं। हत्ता के बाजार में खून भी अभी ताजा है। अपने फायदे के लिए हमले का इस्तेमाल करना हमें जेब नहीं देता। हम इस्तेमाल नहीं कर रहे भतीजे। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे दुख नहीं? मुझे बताओ क्या ये लोग दुखों को खाएंगे और आंसू पिएंगे? हमें फौरी तौर पर बाजार को बहाल करके तिजारत के लिए इकदाम करने होंगे। हर किसी ने बाजार में देखा जो कई सिपाहियों की हिफाजत में नहीं था उस पर हमला हो गया। कोई नहीं बचा सका उन्हें, कोई भी नहीं। और इस तरह उस इलाके में हमारी साख और भी बेहतर होगी। क्या सोफिया आपके साथ इत्तेफाक करती है दुंदार साहब? सोफिया और उसके कमांडर कालानोस ने वादा किया है हमसे, वो अपने मरहूम शोहर के रास्ते पर चलेगी, यही उसके लिए बेहतर है। काश के आप दुश्मनों के साथ जितने माहिदे कर रहे हैं इतना ही आप शेख अदाबाली के बारे में भी सोच लेते।
मत भूलें कि मंगोलों ने कुंदोदो साहब और आपके बेटे को छीन लिया। अदाबाली जहां भी गया वहां मुश्किलें ही लाया। अब हम खून नहीं बहाना चाहते। फिक्र ना करो जहरा खातून, अल्लाह के हुक्म से तुम अपने नसीब से नहीं भाग सकती। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे। मैं अंदर आ सकता हूं दुनदार साहब? अब्दुल रहमान, बाबा जान, भाई साहब, अंदर आ जाएं। अब्दुल रहमान गाजी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कहाँ है अब्दुल रहमान गाजी? खामोश मत रहे अब्दुल रहमान गाजी, मेरे बाबा कैसे हैं? अब्दुल रहमान गाजी, अर्तुरुल साहब को कौनिया से लेकर कसरी तक तमाम मौलिजों को दिखाया। कसरी में गौहर सुल्तान के शिफा खाने के मौलिजों ने कहा है कि बीमारी फेफड़ों तक पहुंच चुकी है, उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें वहां कुछ दिन रुकना होगा। सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। 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 बाबा जान, हजरत इजाजत है? बोलो पहलवान दरवेश। उस्मान साहब और उनके सिपाहियों पर जंगल में घात लगाकर हमला हुआ है, वो उनको पकड़ कर ले गए हैं। किसने किया बताओ? हम उन्हें नहीं जानते हजरत। तलवार तैयार करो मेरी। साहिबो, आज पीर नहीं बल्कि एक सिपाही बनना है। हम उस्मान को अकेला नहीं छोड़ सकते। सुकून से बैठे रहना हम पर भी हराम है बाबा। अर्तुरुल साहब को उस हालत में भी अपने कबीले की फिक्र थी। उन्हें इस बात का डर था कि कबीले का निजाम ताखीर का शिकार ना हो जाए। ये सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल साहब का फरमान है, मेरा भाई दुनदार मेरा नायब होगा। मेरे बेटे अपने चचा की अतात करेंगे, तमाम सरदार अपने आका की अतात करेंगे। ये सब कुछ बेहतरी के लिए किया गया है।
दोनदार साहब, आज से ये आपकी है, कबूल कीजिए। आपकी सरदारी मुकद्दस और आपकी तलवार ताकतवर हो दुंदार साहब। मैंने अपनी तलवार तुम्हारी नजरों से तेज की है। शुक्रिया खातून, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपको बाबा। शुक्रिया बेटी। अल्लाह आपके रास्ते आसान करे हुजूर। शुक्रिया बेटी। आपको सरदारी मुबारक हो बाबा। शुक्रिया मेरे बेटे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो चाचा जान। बाबा का हुक्म है, मैं आपकी अताअत करूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। भाई जान, अपने घोड़े पर ही कबीले आएंगे, तुम देख लेना। उदास होने की जरूरत नहीं। तो ये अर्थरुल साहब का हुक्म है, हमें आपकी अताअत करनी होगी। दोनदार साहब, मुबारक हो दुंदार साहब। भाईजान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ यमान। हुजूर, अरकुत सिपाही को जख्मी हालत में लाया गया है। तमीर बोकन शहीद हो गए। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो? उस्मान साहब कहाँ हैं? बाकी सिपाही कहाँ हैं?
वो उन्हें ले गए और कैद कर लिया है। उस्मान, मारो मुझे, मारो और मारो जोर से। बुज़दिल, बुज़दिल इंसान, मारो, मारो मुझे और मारो। इब्लीस, अगर तुमने मुझे अभी ना मारा तो मैं तुम्हारा कलेजा निकाल कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अगर तुम्हें इतना शौक है तो वहीं पर रुक जाओ। छोड़ दो। इनकी मौत का मजा लेते हैं। बिल्कुल शहजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान को इसलिए अगवा किया गया कि उन्हें मालूमात चाहिए। वो समझते हैं किस तरह वो खजाने तक पहुंच जाएंगे। हुजूर, मेरे लायक कोई हुक्म? तुम में कासिद बनकर कले जाओगे। उन्हें कहोगे कि अदाबाली अमानतें देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले उस्मान को छोड़ना होगा। जनाब, यह हासिल करने के लिए हमने सालों जद्दोजहद की। हमारे कई साथी भी शहीद हुए। क्या उस्मान इतना कीमती है? आप जानते हैं, हमने आलम इस्लाम की साख को बहाल किया है आकजा दरवेश, लेकिन उस्मान भी इतना ही कीमती है जितना कि खजाना। तो क्या हम वाकई खजाना उनको दे देंगे जनाब? अगर हम उस्मान को चाहते हैं तो हां, मैं यानिस का इंतजार करूंगा। हम भी आपके साथ आएंगे बाबा जान। तुम काई कबीले जाओगी बाला। अगर वहां कोई खास बात होती है तो हमें बताओगी। शैतान की एक सांस कबीले तक पहुंच गई है। अगर जरूरी हो तो फिर उस सांस को रोक दो। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा जान। आप कहां जा रहे हैं? हम आए भी मिट्टी से हैं और मिट्टी ही में जा रहे हैं। अल्लाह हमें अपने मकसद में कामयाब करे। जिंदगियां बह जाएं, उम्मीदें बह जाएं। मारो और मारो। बताओ अदाबाली कहां है? बताओ, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे सिपाहियों के दिलों को चीर के चबा डालूंगी। बताओ कहां है वो? बताओ। करीब आओ। इधर आओ सोफिया। जो
तुम चीरना चाहती हो वो वही है, दिलों में है, हमारे ही नहीं वो तमाम तुर्कों के दिलों में है। अगर तुम में ताकत है तो दिलों से निकालो। शैतान मेरे पास आओ। वाच आओ तुम। नहीं हिम्मत कर मेरे भाई। वाच मेरे भाई। Watch. Watch. दम निकलने पर सांसों की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? शेर धाड़ा करते हैं सोफिया, आहुजारी नहीं। हमारे जिंदान सड़े हुए शेरों की हड्डियों से भर जाएंगे उस्मान। वाज हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सात अल्लाह की वाज। मेरा रब सूरह अल बकरा में फरमाता है, क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि वो हालात तुम्हें पेश नहीं आए जो उन लोगों को पेश आए जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। खामोश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।